लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। विद्युत संविदा कर्मी की चाकुओं से गोद कर दीन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या का मामला महज 50 रुपए का था। बहराइच कोतवाली नगर इलाके के धनकुट्टीपुरा का मामला सामने आया है, जहां पर विद्युत विभाग में काम करने वाला पवन कुमार कश्यप संविदा कर्मी हमेशा की तरह काम निपटाकर घर पर आया। तभी अचानक अशोक कुमार यादव घर पर आया और 50 रुपए मांगने लगा। ना देने पर अचानक से पीछे से चाकू मारना शुरू कर दिया। इस कदर यह भयानक हत्या की गई कि पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। दहशत का खौफ साफ लोगों के चेहरों पर झलक रहा था। यह खबर जब पवन के घर पहुंची तो परिजन हत्यारा अशोक कुमार के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। पुलिस मौके की नजाकत को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया। वहीं दूसरी ओर हत्यारा भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये जो हत्या आपके पिताजी की हुई है, कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला? पापा आए थे घर पे किसी काम से, ड्यूटी से, और फिर आए तो खड़े थे तो उन्होंने कहा भूख नहीं लगी, हमको पानी पीना है। तुम्हारी छोटी बहन गई थी पानी लेके, पापा ने पानी पिया। तब तक कि यही पड़ोस में रहता है अशोक कुमार यादव, वो आया और पापा से गले मिला। गले मिलने के बाद उसने चाकू निकाली और पापा का गला काट दिया। फिर उसके बाद में उसने चाकू से कई बार वार किया। फिर पापा तब तक कि बोलने लगे बचाओ बचाओ, तब तक उसकी मम्मी है उसको पकड़ने लगी। लेकिन फिर ले ही जा रही थी कि वो पता नहीं अपनी मम्मी को, मम्मी ने उसको छोड़ दिया। फिर वो गया दोबारा, हम पापा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उसने दोबारा फिर से पापा को मारा, हम नहीं बचा पाए पापा। ये मामा से मेरे 50 रुपया मांग रहे थे, तो ये 50 रुपया मांग रहे थे, फिर ये गले लगे, फिर गला पीछे से चाकू निकाले हैं, पीछे से काट दिए। फिर थोड़ी देर मामा चिल्लाने तो ये आगे मारे, फिर आगे से गला पूरा रेत दिए, जो इनको दारू का पैसा नहीं दिया गवाह है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से मोहम्मद माजिद की रिपोर्ट। मुकेश शाही, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समाप्त। लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं indialivenewschannel@gmail.com पर, या आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.indialivenews.co.in पर। नमस्कार।